good morning children welcome to your biology class students we are discussing chapter number 15 improvement in food resources and in our previous video we have completed crop variety improvement and we have also discussed crop production management in which we have completed nutrient management the difference between macro and micronutrients difference between manure and fertilizers

सो दिस मिक्सड क्रॉपिंग इज डन टू रिड्यूज द रिस्क ऑफ क्रॉप फेलियर अगर आपकी एक क्रॉप डेमेज हो गई सो यू हैव अनदर क्रॉप टू गेट देनिफिट नेक्स्ट इज इंटरक्रॉपिंग इंटरक्रॉपिंग इज ग्रोइंग ऑफ टू और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली इन द सेम फील्ड इन अल्टरनेट रोज मिक्स क्रॉपिंग में सीड्स को सो करने से पहले मिक्स किया था बट इन इंटरक्रॉपिंग वी डू नॉट मिक्स दीड्स सीड्स को डिफरेंट रोज़ के अंदर सो किया जाता है जैसे आप क्लास में आपके बेंचेस डिफरेंट रोज के अंदर लगी हुई होती हैं बिल्कुल वैसे ही फील्ड के अंदर डिफरेंट रोज बनाई जाती हैं और उसके अंदर सीड्स को सो किया जाता है फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट रो में मेज़ सेकेंड में सोयाबीन अगेन मेज़ अगेन सोयाबीन सो इन क्रॉपिंग मेज़ और सोयाबीन इज ग्रोन मिलेट और काउपी इज ग्रोन सो इन वी विेक्ट द क्रॉप्स

रोटेशन होती है ना क्लासेस में बेंचेस के ऊपर तो बिल्कुल वैसे ही फील्ड में हम किसकी रोटेशन करवाएंगे क्रॉप की अगर आपने फर्स्ट सीजन में वीट को ग्रो किया है नेक्स्ट में आप वहाँ ग्राम को ग्रो करेंगे सोयाबीन को ग्रो करेंगे ग्राउंड नेट को ग्रो करेंगे तो जब आप इन्हीं क्रॉप्स को फिर दोबारा से रोटेट करवाते हैं दिस इज नोन एज क्रॉप रोटेशन सो क्रॉप रोटेशन इज ग्रोइंग ऑफ टू और मोर क्रॉप्स इन द सेम फील्ड इन सक्सेशन okay for example first we grow cereal crops and after the growth of cereal crops we grow leguminous crop crop rotation increases the fertility of soil as soil gets time to replenish its nutrients so this crop rotation can be one year two year or three year so what are the difference between mixed cropping and intercropping mixed cropping is done टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ क्रॉप फेलियर क्रॉप फेलियर के रिस्क को मिनिमम करने के लिए मिक्सड क्रॉपिंग की जाती है एंड इंटर क्रॉपिंग इज प्रैक्टिस टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एरिया आपका जो फील्ड है उससे आपको मैक्सिमम प्रोडक्शन मिल सके इसलिए इंटरक्रॉपिंग किया जाता है इन मिक्सड क्रॉपिंग सीड्स आर मिक्सड बिफोर सोइंग सीड्स को सो करने से पहले मिक्स कर दिया जाता है एंड इंटर क्रॉपिंग सीड्स आर सोन इन डेफिनेट रो पैटर्न डेफिनेट रोज बना दी जाती हैं और उसके अंदर सीड्स को सो किया जाता है इन मिक्स क्रॉपिंग इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सप्लाई फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ इंडिविजुअल क्रॉप अगर आपने वीट ग्रो किया है वीट के साथ ग्राम ग्रो किया है तो आपको कॉमन फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड स्प्रे करने पड़ेंगे आप इंडिविजुअल क्रॉप की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं कर सकते क्योंकि जो प्लांट्स हैं क्रॉप जो है वो मिक्स हैं है ना इंटर क्रॉपिंग में फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स कैन बी अप्लाइड अकॉर्डिंग टू दी नीड ऑफ इंडिविजुअल क्रॉप इफ़ वन ऑफ यूर क्रॉप रिक्वायर नाइट्रोजन यू कैन सप्लाई दैट इफ अनदर क्रॉप रिक्वायर पोटेशियम यू कैन सप्लाई दैट है ना डेफिनेट रो पैटर्न में क्रॉप्स ग्रो की गई हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वहाँ आप ईजिली फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड स्प्रे कर सकते हैं इन मिक्सड क्रॉपिंग देर इज नो डेफिनेट सेट पैटर्न और रोज फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स इन इंटर क्रॉपिंग यू हैव डेफिनेट रो पैटर्न ओके इन मिक्स क्रॉपिंग हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग ऑफ क्रॉप डन एट द सेम टाइम आपकी क्रॉप अगर मैच एक क्रॉप मेच्योर हो गई दूसरी क्रॉप मेच्योर नहीं हुई है तब भी आपको हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग सेम टाइम पे करनी पड़ेगी सपरे हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग इज नॉट पॉसिबल क्योंकि प्लांट्स जो हैं क्रॉप्स वहाँ पर मिक्स हैं तो आप उसको अलग टाइम पे उसकी हार्वेस्टिंग भी नहीं कर सकते एंड थ्रेसिंग भी नहीं कर सकते बाइल हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग कैन बी डन सेपरेटली इन इंटर क्रॉपिंग

केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स की जगह क्या यूज़ होता है केमिकल फर्टिलाइजर्स की जगह पे बायो फर्टिलाइजर्स यूज़ होते हैं एंड केमिकल पेस्टिसाइड्स की जगह बायो बायोपेस्टिसाइड्स यूज होते हैं सो so, केमिकल का यूज़ नहीं होता सो दिस ऑर्गेनिक फार्मिंग इज एनवायरनमेंट फ्रेंडली एज वेल एज इट इज़ बेनिफिशियल फॉर आवर हेल्थ क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड आपकी सॉइल को वाटर को पॉल्यूट करते हैं एंड ऑल्सो दे हैव बैड इफेक्ट्स ऑन आवर हेल्थ हमारी हेल्थ के लिए भी हार्मफुल हैं सो ऑर्गेनिक फार्मिंग में किसका यूज़ नहीं होता सिंथेटिक केमिकल फर्टिलाइजर्स का और पेस्टिसाइड्स का यूज नहीं होता ओके सो ऑर्गेनिक फार्मिंग इंक्रीजिज सॉइल फर्टिलिटी इट कंट्रोल पेस्ट एंड डिजीज इट इज़ एनवायरमेंट फ्रेंडली इट डज नॉट हार्म आवर हेल्थ इट इज़ गुड फॉर आवर हेल्थ वॉट इज इरीगेशन इरीगेशन इज द मैथड टू सप्लाई वाटर टू द क्रॉप्स तो जो आप वाटर सप्लाई देते हैं क्रॉप्स को उसको इरीगेशन कहा जाता है एंड वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर द क्रॉप्स फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एज वेल एज टू इंक्रीज यूअर क्रॉप प्रोडक्शन वाटर इज रिक्वायर्ड सो इरीगेशन इज द सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप सो पहले ट्रेडिशनल मैथड यूज होते थे और अब जो हैं वो मॉडर्न मैथड यूज़ होते हैं सो मोट चेन राहट ये क्या है ऑल दीज आर द ट्रेडिशनल मैथड्स ओके मॉडर्न मैथड कौन से हैं स्प्रिंकलर एंड ड्रिप सिस्टम सो वी विल डिस्कस दैम इरीगेशन इज द मैथड टू सप्लाई वाटर टू द प्लांट्स सो वेल वेल दो टाइप के होते हैं बेटा डग वेल एंड ट्यूब वेल ओके कैनाल्स कैनाल से भी रिवर से कैनाल्स बनाई जाती हैं और ये कैनाल्स आपके फील्ड तक वाटर को सप्लाई करते हैं रिवर लिफ्ट सिस्टम रिवर वाटर को लिफ्ट किया जाता है और कहाँ पे सेंट किया जाता है आपके फील्ड्स में वाटर सप्लाई के लिए टैंक्स जो हैं दे आर द स्मॉल स्टोरेज रिजर्वायर जहाँ से वाटर आपके फील्ड्स में सप्लाई किया जाता है सो यू कैन सी दिस इज़ द डग वेल ये डग वेल well है और ये ट्यूब वेल well है ट्यूबवेल well से कैसे वाटर जो है वो आपके फील्ड में सप्लाई किया जाता है दिस इज़ रिवर कैनल सिस्टम कैनाल्स बनाई जाती हैं रिवर से कनेक्ट करके और ये कैनाल्स आपके पूरे फील्ड में वाटर को सप्लाई करती हैं ओके स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप इरीगेशन सिस्टम आर द मॉडर्न मैथड सो व्हाट हैपन इन स्प्रिंकलर सिस्टम स्प्रिंकलर सिस्टम की देखिए इमेज है यहाँ पे सो so जो पाइप्स होती हैं पूरे फील्ड में वाटर पाइप्स होती हैं और उन पाइप्स के ऊपर एक नोज़ल प्रेजेंट होती है वो नोज़ल रोटेट होती है और पूरे फील्ड में वाटर को स्प्रिंकल करती है स्प्रिंकलर सिस्टम कौन सा है आपका फवारा सिस्टम आप अपने फील्ड में गए होंगे या आपने दूसरे के फील्ड में फवारा सिस्टम स्प्रिंकलर सिस्टम देखा होगा स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप इरीगेशन उन स्टेट्स में परफॉर्म किया जाता है उस एरिया में किया जाता है जहाँ पर वाटर शॉर्टेज है पानी की बहुत ज़्यादा कमी है अब ड्रिप इरीगेशन में क्या क्या किया जाता है वाटर पाइप्स होती हैं प्लांट की रूट्स के पास और उन वाटर पाइप्स में होल होते हैं और उन होल से ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर डायरेक्टली रूट्स के अंदर जाता रहता है ओके सो ड्रिप इरीगेशन में वाटर कहाँ जाता है रूट्स में कैसे जाता है ड्रॉप बाई ड्रॉप और स्प्रिंकलर आप सबने देखा है फवारा सिस्टम है ओके सो दिस वॉज इरीगेशन नाउ वट आर वीड्स इफ यू टॉक अबाउट आवर क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट तो क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट में आपकी जो क्रॉप है वो किससे डैमेज हो सकती है इट कैन बी डैमेज बाई द अटैक ऑफ पेस्ट इंसेक्ट्स पेस्ट इंसेक्ट उसको अटैक कर सकते हैं वीड्स की उससे वो जो आपकी क्रॉप्स हैं वो डैमेज हो सकती हैं ओके okay? इसके अलावा आपकी जो क्रॉप्स हैं ओके फिर टॉक अबाउट द वीड्स वीड्स की अगर हम बात करेंगे वट आर वीड्स वीड्स आर द अनवॉन्टेड प्लांट्स विच ग्रोस अलॉन्ग विद योर क्रॉप्स अगर हम वीड्स की बात करेंगे तो वीड्स क्या होते हैं अनवॉन्टेड प्लांट्स हैं जो आपके फील्ड में नेचुरली ग्रो हो जाते हैं और वो आपकी मेन क्रॉप के साथ कॉम्पीट करते हैं फूड के लिए स्पेस के लिए न्यूट्रिएंट्स के लिए सॉयल से न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे ना तो वो फूड हो गया तो न्यूट्रिएंट्स के लिए कॉम्पीट करते हैं स्पेस के लिए करते हैं और सनलाइट के लिए करते हैं तो वीड्स को देखो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है नैरो लीफ और ब्रॉड लीफ सो नैरो लीफ की अगर हम बात करें खरीफ सीजन में तो आपको एग्जाम्पल दिख रहे हैं वाइल्ड सॉर्गम रबी सीजन वीड्स की बात करें वाइल्ड ओट्स खरीफ में हम बात करें ट्राइन जेंथियम रबी सीजन में अगर हम ब्रॉड लीफ की बात करेंगे चिनोपोडियम हो गया पाथीनियम हो गया सो दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ द वीड्स विच ग्रो इन आवर फील्ड एंड विच कम्पीट विद अवर मेन क्रॉप ओके आपकी मेन क्रॉप के साथ ये कॉम्पीट करते हैं फूड के लिए स्पेस के लिए और लाइट के लिए सम ऑफ द वीड्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटैंस विच आर ऑल्सो हार्मुल फॉर योर क्रॉप्स सो जेंथियम इज अ वीड और जेंथियम को कॉमनली हम क्या कहते हैं गोखरू पाथीनियम इज गाजर घास चीनोपोडियम बथुआ बथुआ हम खाते भी हैं येस और नो एमरेंथिस एमरेन्थिस इज चौलाई सो आपके घर पे ये जो वीड्स हैं ये आए तो आप इनको जरूर देखिएगा ओके सो वीड इंसेक्ट पेस्ट और डिजीज कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूजिंग केमिकल्स You can kill weeds by use of weedicides, you can kill pests by the use of pesticides, and you can kill fungus by the use of fungicides. Okay, so these are sprayed on crop uh, plants for treating seeds and soils and prevent them from the attack of these pests. Okay, so these uh, are harmful chemicals, they can also cause damage to our environment, they can cause water pollution, they can cause. सॉइल पॉल्यूशन ओके इफ यू टॉक अबाउट स्टोरेज ऑफ ग्रेन सो आवर ग्रेन्स आर डैमेज बाय बायोटिक एंड ए बायोटिक फैक्टर्स सो बायोटिक फैक्टर्स कौन से होते हैं बेटा लिविंग फैक्टर्स जैसे बैक्टीरिया फंजाई इंसेक्ट हो गए रोडेंट्स हो गए ए बायोटिक फैक्टर्स होता है मॉइस्चर टेम्परेचर ठीक है जो आपकी क्रॉप्स uh, को आपके ग्रेन्स को डैमेज कर सकते हैं तो जितना ज़्यादा आपके फूड ग्रेन्स में मॉइस्चर होगा उतना ज़्यादा पेस्ट अटैक होगा उतना ज़्यादा माइक्रोबियल फंगस अटैक होगा और उतने ज़्यादा वो डैमेज होंगे सो so, वीड्स से अगर हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं वीड्स को रिमूव करके वीड्स की ग्रोथ को रोक के और वीड्स को किल करके सो so, यहाँ पे देखिए मैकेनिकल मेथड्स के कौन से हैं अपरूटिंग बाय हैंड्स वीड्स को हैंड से पुल करके और उनको रिमूव किया जाता है हैंड पुलिंग ओके डिस्ट्रक्शन ऑफ़ वीड्स एंड देयर सीड्स इन द सॉयल ओके तो वहाँ पर आपको डाइग्राम के थ्रू मैं दिखाऊँगी कि कैसे उनकी अपरूटिंग की जाती है और उनको डिस्ट्रॉय किया जाता है बर्निंग और फ्लडिंग भी मैथड्स हैं वीड्स को रिमूव करने के कैमिकल मैथड्स में आप कौन से वीडी साइड यूज कर सकते हैं टू फोर डी टू फोर डाई क्लोरोफिनोक्सी एसिडिक एसिड टू फोर फाइव टी टू फोर फाइव ट्राई क्लोरोफिनोक्सी एसिडिक एसिड एम सी पी ए टू मिथाइल फोर क्लोरोफिन द सम एग्जाम्पल ऑफ दीडिसाइड होइंग से देखिए यहाँ पे आप इस होइंग से की हेल्प से वीड्स की अपरूटिंग की जा रही है हैंड पुलिंग से यहाँ पे वीड्स की अपरूटिंग की जा रही है बायोलॉजिकल मैथड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इसको सब ध्यान से सुनेंगे सो so, यहाँ पे प्रिकली पियर कैक्टस और जो है वो पूरे के पूरे फील्ड में ग्रो हो गया था फार्म में ग्रो हो गया था अब देयर आर सर्टेन इंसेक्ट्स विच फीड ऑन ए पर्टिकुलर वीड तो जो ये कॉचनियल इंसेक्ट है ये इस कैक्टस के ऊपर ही फीड करता है तो इस कॉचनीयल इंसेक्ट ने क्या काम किया पूरे फील्ड से प्रिक पियर कैक्टस को गायब कर दिया कैसे गायब कर दिया उसके ऊपर फीड करके तो देखिए ये किस में आएगा बायोलॉजिकल मेथड में क्यों क्योंकि जो कॉचनियल इंसेक्ट है वो लिविंग हो गया और बायो का मतलब होता है लिविंग तो वीड्स को यहाँ किसने स्टॉप किया कौन सी वीड की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं यहाँ पे प्रिकली पियर कैक्टस की जिसको हम ओपन्शिया भी कहते हैं तो पूरे फील्ड में प्रिकली पियर कैक्टस ओपनशिया ग्रो हो गया था तो इस ओपन्शिया को किसने रिमूव किया किसने इरेडिकेट किया कॉचनियल इंसेक्ट ने सो बायोलॉजिकल जो मेथड है वो बहुत सेफ है तो यहाँ पे देखिए एक एनलार्ज इमेज डाली हुई है मैंने तो ये प्रिकली पियर कैक्टस है और ये वाइट स्पॉट्स जो हैं ये कॉचनियल इंसेक्ट इसको फीड करके इसके ऊपर फीड कर रहा है और इसको पूरा का पूरा ये धीरे धीरे रिमूव कर देगा बायोलॉजिकल मेथड के कोई साइड इफेक्ट नहीं होते एनवायरमेंट फ्रेंडली होते हैं ये इफ यू टॉक अबाउट इंसेक्ट अगर हम इंसेक्ट्स की बात करें तो देर आर थ्री टाइप ऑफ इंसेक्ट बोरिंग च्यूविंग एंड सकिंग ओके सो so, अगर हम इंसेक्ट्स की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले च्यूइंग इंसेक्ट का दिया हुआ है सो so, ये च्यूइंग इंसेक्ट क्या करते हैं च्यू करते हैं किसको च्यू करते हैं ये कट कर देंगे रूट को स्टेम को लीव्स को ओके okay? और आपकी क्रॉप को डैमेज करते हैं तो आपके च्यूइंग इंसेक्ट के एग्जांपल हो गए कैटरपिलर हो गया लोकस्ट हो गया ग्रास होपर हो गया इफ यू टॉक अबाउट बोरिंग इंसेक्ट बोरर्स क्या होते हैं इंटरनल फीडर्स आपने देखा होगा मदर कभी भी वेजिटेबल कट कर रही है फ्रूट्स कट कर रही है तो उसके अंदर से जो है वो छोटे छोटे से इनसे छोटे छोटे से वॉर्म्स निकल के आते हैं कीड़े निकल के आते हैं तो बोरिंग इंसेक्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं वो इंटरनल फीडर्स हैं और वो आपके स्टेम के अंदर फ्रूट्स के अंदर क्रॉप्स की स्टेम और फ्रूट्स के अंदर बोर हो जाते हैं एंटर कर जाते हैं ओके और ये फिर स्टेम और फ्रूट्स को डैमेज करते हैं एंड मेक इट अनफिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन ओके सो और थर्ड है आपका सकिंग इंसेक्ट सकिंग इंसेक्ट क्या करते हैं बेटा दे सक द सेल सैप सेल सैप क्या है प्लांट के सेल्स के अंदर स्टोर एक यूजफुल मटीरियल विच स्टोर एमिनो एसिड्स विच स्टोर शुगर तो उस सैप को ही ये पी जाते हैं ना तो एफिड बर्गस लीफ ऑपर्स जो हैं वो सकिंग इंसेक्ट के एग्जाम्पल हैं तो इन पेस्ट को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं नेचुरल इंसेक्टिसाइड का यूज़ करके ठीक है नीम का यूज़ करके जब स्टोर वगैरह यूज़ स्टोर करते हैं आई इनको पाथीनियम हो गया है ना मार्गोसा हो गया सो दीज आर द नेचुरल इंसेक्टिसाइड्स जो पेस्ट को किल कर देते हैं या उनको पेस्ट को क्रॉप के ऊपर रिपेल नहीं करने देते अटैक नहीं करने देते रिपेल करते हैं इंसेक्ट्स को सॉरी क्या करते हैं वो रिपेल करते हैं इंसेक्ट्स को क्रॉप के ऊपर अटैक करने नहीं देते बायो इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ करके जैसे बीटी कॉटन है ना बेसिलेस जेनेसिस एक बैक्टीरिया था जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के अंदर इसको डाला गया, गया था मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था सो बीटी कॉटन बीटी ब्रिंजल आया हुआ है तो इस कॉ बीटी बेसिलेस जेनेसिस बैक्टीरिया ने क्या क्या काम किया कि जो भी इंसेक्ट जो पर्टिकुलर इंसेक्ट आपके कॉटन को डैमेज करता था उसके लिए ये टॉक्सिक था और जैसे ही वो आपकी कॉटन को डैमेज करने की कोशिश करता उस पर फीड करता तो ये बेसिलेस जेनेसिस बैक्टीरिया एक टॉक्सिक सब्सटेंस को सिक्रीट करके उनको किल कर देता केमिकल इंसेक्टिसाइड्स आर आल्सो यूज्ड, बीएचसी, बेंजीन हेक्साक्लोराइड टेक्साफोन ओके मिथाइल पैरेथियन ये कॉमन इंसेक्टिसाइड्स हैं जो इंसेक्ट्स को किल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं हार्वेस्टिंग इज़ कटिंग ऑफ मेच्योर क्रॉप्स जब आपकी क्रॉप मेच्योर हो जाती है पक्के तैयार हो जाती है फसल तो उसको कट करना क्या कहलाता है हार्वेस्टिंग हार्वेस्टिंग सिकल की हेल्प से किया जाता है मैनुअली जिसको आप दराती कहते हैं या हार्वेस्टर का यूज़ किया जाता है ओके okay? थ्रेसिंग क्या है कि जो शेफ होता है जो प्लांट का जो भूसा होता है उसमें से ग्रेन को और उसको रिमूव करना ओके okay? जो आप देखते हैं कि जैसे वीट देखा होगा आपने अपने खेतों में तो उस वीट ग्रेन को निकालना शेफ में से कहलाता है थ्रेसिंग ओके सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड शेफ इज डन बाय विनोइंग विनोइंग की हेल्प से किया जाता है सो इफ यू स्टोर योर फूड ग्रेन्स जब आप अपने फूड ग्रेन्स को स्टोर करते हैं तो वो किससे डैमेज होते हैं दो फैक्टर्स है बायोटिक एंड ए बायोटिक फैक्टर्स ए बायोटिक फैक्टर्स में कौन से आते हैं इनअप्रोप्रिएट मॉइस्चर है जहां पे आप स्टोर कर रहे हैं वो प्लेस ड्राई नहीं है क्लीन नहीं है वहाँ पे मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है इन अप्रोप्रिएट टेम्परेचर है ह्यूमिडिटी है वहाँ पे, सैनिटेशन वो स्टोर हाउस की प्रॉपरली क्लीन नहीं है वो यानी जहाँ पे आप उसे स्टोर कर रहे वो भी प्रॉपरली क्लीन होना चाहिए ए बायोटिक फैक्टर्स आपने अभी देखे और बायोटिक फैक्टर्स लिविंग ऑर्गैनिज्म हैं जो आपके फूड ग्रेनस को डैमेज कर सकते हैं बैक्टीरिया फंजाई इंसेक्ट बर्ड्स रोडेंट ठीक है माइट्स डीज आर द बायोटिक फैक्टर्स विच can फीड on your food grains and degrade their quality, their uh, loss weight or and make it unfit for human conception. उसको damage कर देंगे जैसे आपने देखा होगा आपकी mother जब भी चावल या दाल बनाती है तो उनको पहले वाटर में सोक उनको वाटर में सोक कर लेती है उसकी वजह से क्या होता है जो डैमेज सीड्स हैं जो होलो हो चुकी हैं जिनका वेट बिल्कुल कम हो चुका जिसको इंसेक्ट फीड कर चुके हैं वो ऊपर आ जाती हैं और जो हैवी सीड्स होती हैं वो हेल्दी होती हैं वो नीचे की तरफ होती हैं वाटर में ओके okay, स्टोरेज के लिए आप फूड ग्रेन्स को जब स्टोर किया जाता है तो सिलोज़ और ग्रीनरीज के अंदर किया जाता है उन्हें ताकि वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए सेफ रहें मॉइस्चर फ्री रहें वहाँ पे इंसेक्ट वैट वैट्स फंगस बैक्टीरियल अटैक जो है वो ना हो ओके okay, क्लास Please watch your videos, revise all your concepts, try to understand your topics, and if you have any doubt, ask your teachers. Thank you. Thank you so much.